मगर हम क्योंकि डिपेंड करते हैं इसी कैलेंडर पे, तो इस हिसाब से तो आज की रात हमारी गुजरने वाली है ट्रैवल में, क्योंकि अभी हम यहाँ से निकलेंगे तकरीबन 10 बजे, 10 साढ़े 10 हम यहाँ से निकलेंगे। और आज हमारी जो ट्रैवल कंपनी है वो कायनात की है, क्योंकि टिकट्स और किसी उसकी नहीं मिल रही थी, सिर्फ कायनात ही की मिली थी। तो आज हमारा एक्सपीरियंस है कायनात ट्रैवल्स के साथ, और उसी में हमने कराची जाना है, तो हमारी रात जो है वो ट्रैवल में गुजरने वाली है। तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बातचीत कर लूँ। आपने मेरे व्लॉग में, आपको बार बार मेरे मोबाइल का सुनने को मिलेगा, तो इसी व्लॉग के चक्कर में मेरा मोबाइल स्नैच हुआ था। और किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना अमाउंट एट अ टाइम घर में नहीं होता है कि 40-50 हज़ार रुपये वो मोबाइल के लिए फ़ौरी तौर पर निकाले। तो मैंने एक सेकेंड हैंड मोबाइल परचेज़ किया उसी रात को जब हमें निकलना था, लेकिन वो उसने मुझे बहुत तंग किया। पूरे पूरे सफ़र में उसने मुझे बहुत तंग किया उस मोबाइल ने, और मैं बच्चों के मोबाइल पे वीडियोस बनाती रही और अपनी भी, और जो आपको दिखाना था वो सब भी। और शुक्र है कि जब हम मरी से निकले हैं तो पीछे हमें इतना मिली कि मुजफ्फराबाद से मरी पे लोग फंसे। लेकिन इस्लामाबाद में भी अभी इतनी ठंड है कि मुझसे ज़्यादा देर जो है वो हाथ ऊपर करके मोबाइल ही रखा जा रहा, और मतलब ठंड लग रही है, काफ़ी ठंड है। सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं उठ के पहले आपसे ये चंद बातें कर लूँ और ये वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि अपलोड करने के लिए भी एक तो नेट का भी मसला था, फिर हमारे पास सिग्नल जो हमारे पैकेजेस हुए हुए थे वो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि आपका वहाँ पे जब सिग्नल आ ही नहीं रहा तो वो किस काम के। दूसरा है कि जब हम कश्मीर में इंटर हुए हैं तो हमारे टोटल सिम्स जो है वो बंद हो गई थी, और वहाँ हमें दूसरी सिम परचेज़ करनी पड़ी जो कि आर्मी वालों की है शायद, तो वो वहाँ पे उसका नेटवर्क चला वो, लेकिन इतने सारे लोग क्योंकि परचेज़ नहीं कर सकते थे, तो हमने हमारी फैमिली में से सिर्फ एक ही सिम परचेज़ की, क्योंकि कॉलिंग के लिए फिर परेशानी होती, तो उसी का नेटवर्क चल रहा था, बाकी किसी सिम का नेटवर्क नहीं चल रहा था। वो कश्मीर आने से पहले जब उसका बॉर्डर आता है तो वो बंद हो गया था, क्योंकि हम उस कश्मीर में थे कि जो एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ इंडिया नज़र आता है, तो वहाँ पे ये सिम्स नहीं चलती और वो उनकी अपनी सिम चल रही होती है। और ये जो मुंह से धुआँ निकल रहा है ना, तो फिर इसके लिए तो हम कराची में तरस जाते हैं कि इतनी ठंड हो गई है मुंह से धुआँ निकले। मतलब ये है कि बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें गेस्ट हाउस भी अच्छा मिला। हमने जो गाड़ी हायर की थी यहाँ से वो भी अच्छी थी, गाड़ी का ड्राइवर भी अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। बहरहाल इस तरह हमारा सफ़र जो है वो तमाम हुआ, और अब हम घर को वापस जा रहे हैं। तो दुआ कीजिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें, क्योंकि आज तो सब माफ़ियाँ ही मांग रहे होंगे रात तक, मतलब वो रात 12 बजे तक उनकी माफ़ियाँ ही चल रही होंगी मैसेजेस पे। लेकिन आप ऐसी हरकतें ही ना करें कि आपको माफ़ियाँ मांगने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि दोस्तियों में ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए कि आप बिला वजह फिर आप शब रात पे माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं और न्यू ईयर पे माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं लोगों से, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखें, और आपसे फिर कराची जाकर ही मुलाकात होगी, और वहाँ जाकर ही मैं जो ये जो सारी वीडियोस मुझे मिलेंगी तो फिर मैं वो अपलोड करूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दुआओं में शामिल रखें, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल। उम्मीद है कि आप अपने घर में खैरियत से रहेंगे, इंशाल्लाह ताला ये साल सबके लिए खुशियाँ लाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।